एस्तर की पुस्तक अध्याय एक। एस्तर की पुस्तक अध्याय एक। क्षयर्ष की जीवनार के समय वश्ती का पटवानी के पद से उतारा जाना। क्षयर्ष नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षयर्ष राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शुनन नाम राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जीवनार की। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सन्मुख आ गए और वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज विभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों में बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों की जो शुनन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। वहां के पद श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस जेवनार में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो पहुन जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वश्ती ने भी राजा क्षयर्ष के भवन में स्त्रियों की जीवनार की। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मग्न था तब उसने महुमान बिचता हरबोना बिकता अबगता जेतेर और कर्कश नाम सातों खोजों को उस क्षयर्ष राजा के सन्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों को और हकीमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह तो देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था और उसके पास कृष्णा शेतार अदमाता तर्शीश मेरेस मर्सना और मकुकान नाम फारस और मादे के सातों खोजे थे और राजा का दर्शन करते थे और राज्य के मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वश्ती ने राजा की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो हमें नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तब मकुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया। रानी वश्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी और जब यह कहा जाएगा कि राजा क्षयर्ष ने रानी वश्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आए, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा।
यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वश्ति राजा क्षयर्ष के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे और उससे अच्छी हो। और जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने मकुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए और अपनी अपनी जाति की भाषा बोला करें।